भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने भाजपा द्वारा प्रदेश की जनता के लिए शुरू की गई हिम केयर योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। करोड़ों की देनदारियों के चलते अस्पतालों में प्रदेश की गरीब जनता इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रही है। वहीं अस्पतालों में मिलने वाली निःशुल्क दवाइयां भी अब नहीं मिल रही हैं। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता संदीप भारद्वाज ने शिमला में ये बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की 353 करोड़ की देनदारी है, जिसके चलते लोगों को अब ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। हिम केयर योजना के तहत IGMC के 92 करोड़, टांडा मेडिकल कॉलेज के 107 करोड़ रुपए और PGI चंडीगढ़ के 30 करोड़ रुपए की देनदारी सरकार के पास बची हुई है। कांग्रेस द्वारा अपनी दी गई गारंटियों को पूरा करना तो दूर, लेकिन पूर्व की सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं को भी ये चला नहीं पा रही है। कि वर्तमान सरकार जो प्रदेश में बहुत थकी हारी सरकार है, जो कहती थी कि सड़कों का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्र में हेल्थ की, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी चिंता और फ्री हेल्थ के जो स्टेट के प्रोटोकॉल्स हैं उसको प्रायोरिटी पे करते। आपकी जानकारी के लिए माननीय मोदी जी ने आयुष्मान भारत की कल्पना की, जिसमें 5 लाख तक का बीमा हिमाचल प्रदेश में और देश में जो एक डिफाइंड लाभार्थी थे उनको देने का प्रयास हुआ, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में 4,33,000 ऐसे लाभार्थियों को ये लाभ दिया गया। जैसा कि मैंने कहा कि मोदी जी के साथ ठाकुर जयराम जी की भी बहुत संवेदनशील सरकार थी, और हम यही नहीं रुके, हमने एक हिम केयर योजना लाई जिसमें इस बात की लिबर्टी दी गई कि जो लाभार्थी आयुष्मान भारत में कवर नहीं हो सकते थे उनको हिम केयर योजना में लाया, और हिमाचल प्रदेश में 85 लाख लोगों को इसका लाभ मिला, 85 लाख। लेकिन फ्री दवाई, फ्री इलाज, इसकी बात तो छोड़िए। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बहुत बड़ा अलार्मिंग एक फिगर दे रहा हूं। लगभग 353 करोड़ रुपया हिम केयर की देनदारी इस सरकार की पड़ी है, जिसकी वजह से PGI हो, IGMC हो, और ऐसे हिम केयर में जो संस्थान रजिस्टर्ड थे, लगभग 292 संस्थान थे, वहां पे लोगों को ये फ्री मेडिसिन की फैसिलिटी आज इस प्रदेश में नहीं मिल रही है। हमारा इस सरकार पे आरोप है कि जहां ये झूठी गारंटी की बात करते थे, मुफ्त बिजली देने की बात करते थे, पेंशन देने की बात करते थे, वो बात तो छोड़िए, लेकिन पिछली सरकार द्वारा चलाई गई जो प्रायोरिटी की मांग थी, प्रायोरिटी में जिसमें हेल्थ इंपॉर्टेंट है कि मुफ्त में इलाज हो, उस इलाज के लिए भी ये सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।